फ्री में सब्सक्राइब कीजिए बिहार यूट्यूब चैनल को और दबाइए साथ में बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यूज वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल बिहार टेक्निकल में और आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है रुपेश। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि फ़ोनपे में बैंक अकाउंट को कैसे जोड़ते हैं। दोस्तों, जब फ़ोनपे चलाते हैं और फ़ोनपे के जरिए बिल पेमेंट करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं या बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं, इस तरह से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इस सब पे आपको बहुत सारे कैशबैक दिया जाता है। दोस्तों, यदि आप फ़ोनपे में अकाउंट नहीं बनाया है तो मैंने इस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। उस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी से फ़ोनपे में अकाउंट बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फ़ोनपे अकाउंट में बैंक अकाउंट को कैसे जोड़ते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा घंटे को उसको दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए हम फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो जिससे कि देख सकते हैं कि हमारा फ़ोनपे एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। गाइस, यहाँ पे आपको एक बात को ध्यान देना होगा कि आपके जो बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसी मोबाइल नंबर पर आपको फ़ोनपे अकाउंट भी बना होना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप यदि चेक करना चाहते हैं कि आपके फ़ोनपे अकाउंट के साथ कौन सी मोबाइल नंबर लिंक है, तो यहाँ पर लिखा माई प्रोफाइल, इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सी मोबाइल नंबर पर फ़ोनपे अकाउंट को बनाया है। फ़ोनपे अकाउंट में बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, ऐड बैंक अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है या डायरेक्टली इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा बैंक बैलेंस, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जिससे आप इस पर क्लिक कीजिएगा बैंक बैलेंस पे, तो फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो पॉपुलर बैंक है वो आपको ऊपर ही शो हो जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से अपने बैंक को सिलेक्ट करना है। यदि आपका बैंक इसमें नहीं मिल रहा है तो यहाँ से डायरेक्टली बैंक का नाम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। हमारा जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, यानी कि SBI का है, और यहाँ पर पॉपुलर बैंक में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आपको भी ढूंढ लेना है या सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात को ध्यान देना है कि जो आपके बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर यानी कि वो सिम आपके इसी मोबाइल में लगा होना चाहिए, तभी आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, और उस पर इनकमिंग सर्विस और आउटगोइंग सर्विस चालू होना चाहिए। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आपके बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो कौन सा सिम है। सिम को सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग आपको वेट करना है। इसके बाद फिर आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका भीम UPI ID ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बनाना है भीम UPI पिन को, तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है जहाँ पे लिखा है भीम रीसेट भीम UPI पिन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी डेबिट कार्ड का डिटेल फिट करना है, यानी कि आपका जो ATM कार्ड है उसका आखिरी का 6 नंबर आपको इंटर करना है, और उसका एक्सपायरी डेट यहाँ पे फिल करना है, मंथ और ईयर। इसके बाद डाल देने के बाद में आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, और आपके बैंक में रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP जाएगा, और OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। यदि ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल नहीं होता है तो OTP को यहाँ पर आपको डाल लेना है। इसके नीचे यहाँ पर लिखा सेट UPI पिन, यहाँ पर आपको 6 नंबर का UPI पिन को अपने हिसाब से क्रिएट करना है, और उस UPI पिन को आपको याद रखना है। जब भी आप इस एप्लीकेशन के थ्रू ट्रांजेक्शन कीजिएगा, यानी कि आप ऑनलाइन बैलेंस को ट्रांसफर कीजिएगा, मोबाइल रिचार्ज कीजिएगा, बिल पेमेंट कीजिएगा, तो इस पिन की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 6 नंबर का UPI पिन को डालना है। इसके बाद आपको सही क्लोव पर क्लिक करना है, फिर आपको दोबारा से उसी पिन को यहाँ पर डालना है, फिर आपको सही क्लोव पर क्लिक करना है, फिर थोड़ा सा प्रोसेसिंग आपको वेट करना है। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप लिखा हुआ है कि सक्सेसफुल UPI पिन को आपने क्रिएट कर लिया है, और आपके फ़ोनपे अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट सक्सेसफुल लिंक हो चुका है। तो गाइस, आप इस तरह से फ़ोनपे अकाउंट में बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हैं। दोस्तों, आप अपने मोबाइल के थ्रू यानी कि फ़ोनपे एप्लीकेशन के थ्रू मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, बैलेंस को कहीं पर ट्रांसफर कर सकते हैं यदि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है तो, या ऑनलाइन कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो इस पर आपको बहुत सारे कैशबैक मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपसे बताऊंगा कि फ़ोनपे के जरिए बैलेंस को ट्रांसफर कैसे करते हैं, मोबाइल रिचार्ज कैसे करते हैं, बिल पेमेंट कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को रिलेटेड कोई आपको डाउट प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपकी सहायता करेंगे।